अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दस्तरखान पे रगड़ा, चना, कच्ची दाल, पेटीज, मेरे शौहर अपने हाथों से इतना अच्छा मिलाते हैं कि सब उन्हीं के हाथ का पसंद करते हैं। आज वो देखिए, रमज़ान का पहली अफ्तारी है और वो देखिए किस तरीके से मिला रहे हैं। पहले प्याज डालते हैं, फिर उसके बाद बहुत लोग खाते हैं इसको शौक से। हाँ, प्याज कटी हुई थी बारीक बारीक चॉप, और ककड़ी और टमाटर और धनिया और पुदीना। अब देखिए ड्राई मसाले कौन से डालते हैं। टमाटर डाल रहे हैं, ये हमारे घर का रगड़ा बहुत ही स्पेशल रगड़ा है। मेरे डैडी के हाथ का बनाया हुआ रगड़ा बहुत टेस्टी होता है, कोई बिना खाए नहीं जाता। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बटाने में बिल्कुल ऑयल नहीं है, सब ऑयल फ्री है, सिर्फ बॉयल, सब बॉयल है। अब इसमें क्या क्या मिलाते हैं देखिए। ये वाले चना चटपटी दाल ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो रेसिपी डाली हुई है, रगड़ा चाट भी डाला हुआ है, और कच्ची दाल जो चना सैलड जो बोलते हैं वो डाला हुआ है। देखिए अब ये चिल्ली फ्लेक्स डालने जा रहे हैं। चिल्ली फ्लेक्स की रेसिपी भी अभी रिसेंटली हमने अपलोड करी है, तो आप देख सकते हैं घर की बनी हुई, मार्केट से लाना नहीं पड़ता, सब घर का बना हुआ है। ये भुना जीरा है, रोस्टेड जीरा पाउडर, ये हाँ। अब ये चाट मसाला डाल रहे हैं, चाट मसाला की रेसिपी भी हमने अपलोड करी है। चाट मसाला के बाद अब हम चटनी डालेंगे। ये मीठी चटनी है, इमली की मीठी चटनी है, ये भी हमने यूट्यूब पे डाली है। सिर्फ चने में मीठी चटनी नहीं डालना है, सिर्फ रगड़े चाट में डालना है। और अभी ये खट्टी तीखी चटनी है, ये वो सब में रेसिपी अब अपलोड हो चुकी है पहले ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ये जैसा चना चाट बन रहा है, हरी पुदीने की चटनी है, ये भी थोड़ा थोड़ा डाला जाएगा। अब इसे खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे और हमारा ये रगड़ा चना चाट, ये था हमारा रगड़ा चना और चाट। इसके बाद हम आपको हमारे दस्तरखान में सब कुछ दिखाएंगे। जब हमारा दस्तरखान रेडी हो जाएगा तो हम आपको सारा आइटम अरेंज करके दिखाएंगे। तो हमने आपको दस्तरखान पे रगड़ा चना चाट दिखाया। अब मेरी अम्मी ये पकोड़े तल रही है, बेसन के पकोड़े हैं ये, प्याज और बेसन के। देखिए बहुत ही टेस्टी है। हम सब कुछ स्पेशल आइटम्स भी हमने बनाए, वो आपको हम लोग सरप्राइज दस्तरखान पे डायरेक्ट दिखाएंगे। पूरा एक साथ जब अरेंज हो जाएगा ना, तब आपको दिखाएंगे। आज हमने अपने दस्तरखान में क्या क्या शामिल किया है आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये है रगड़ा चाट, रगड़ा पेटीज आपको मिक्सिंग करते हुए बताया है। दूसरा नंबर है फालूदे का, ये फालूदा शरबत होम मेड है, नूडल्स हमने घर में बनाया है और हमने इसकी वीडियो भी डाली है। ये हरी चटनी है, इसको भी हमने घर इसकी वीडियो भी हमने डाली है। और ये है समोसे, समोसे और प्याज के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, आलू के पकौड़े, देखिए आलू के पकौड़े और गुलगुला। ये हमारे यूपी का खास आइटम है, इसके बिना तो हमारा दस्तरखान अधूरा है, हमारा रोज बनता है ये। और ये है चना मसाला, और ये है कच्ची दाल, यूपी की स्पेशल डिश, और ये है हमारी सबसे बेस्ट खीर, चावल की खीर एकदम रबड़ी जैसी होती और है। सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, वाटरमेलन है, बनाना है, पपाया है, खरबूजा है। यहाँ हमने अलग अलग प्लेट्स में मेंबर्स के हिसाब से हमने रखा है। ये हमारे यहाँ सब बेटी दामाद सब जमा होते हैं, फिर हम सब इकट्ठे
अफ्तारी करते हैं, सब जमा होने का टाइम हो गया है अब। तो ये हमारे संडे स्पेशल दावत का दस्तरखान, रमजान स्पेशल फर्स्ट रोजे का फर्स्ट दस्तरखान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें जितनी भी रेसिपीज मम्मी ने बनाए हैं उन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसको ज़रूर देखिएगा। और आप सबको रमज़ान मुबारक। शुक्रिया।